तो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल वाईके सिंह। आज की इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम को ही कंटिन्यू करेंगे। ये नंबर सिस्टम का सेकेंड वीडियो है। अगर आपने अभी तक फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा है नंबर सिस्टम का, तो ऊपर के आई बटन में देखिए, आपको लिंक दिख रहा होगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप नंबर सिस्टम के पहले फर्स्ट वीडियो को देख लीजिए, फिर इस वीडियो को स्टार्ट कीजिए। सो हम लोग विदाउट डिले किए हुए इस नंबर सिस्टम के सेकेंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें इवन नंबर की, कि इवन नंबर होता क्या है। इवन नंबर आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे, लेकिन आप बार बार भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि आप उसको रट्टा मारते हैं, समझते नहीं हैं। हम लोग अभी बात करेंगे कॉन्सेप्ट की। तो अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो इवन नंबर वो सारे नंबर्स को हम लोग बोलेंगे जो क्या हो, टू से डिविजिबल हो। ये आपने पढ़ा है। एक और कॉन्सेप्ट हम बोल सकते हैं कि अगर हम किसी नंबर्स को बोले कि ये लाइक 24 इवन नंबर है कि नहीं है, तो एक तो हो गया कि आप इसको क्या करेंगे, डिवाइड देंगे टू से, और टू से डिविजिबल है तो हम बोल सकते हैं कि वो क्या है, इवन नंबर है। अदरवाइज सेकेंड कॉन्सेप्ट है कि आप इसके क्या कीजिए, फैक्टर्स फाइंड आउट कर लीजिए। हम लोग प्राइम फैक्टर्स अगर फाइंड आउट करते हैं और उस प्राइम फैक्टर में एक भी टू आ गया, जिस नंबर्स को हम लोग ये पता करना है कि वो इवन है ना ऑड है, अगर उसके फैक्टर में एक भी टू आ गया तो हम बोल सकते हैं वो नंबर क्या होगा, इवन नंबर होगा। अब ये यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ा है। इसके अलावा हम अगर बिल्कुल ट्रिक की बात करें कि बिल्कुल देखते ही हम कैसे बताएंगे कि ये इवन है ना ऑड है, तो फ्रेंड्स बिल्कुल सिंपल वे में हम बोल सकते हैं कि जो भी नंबर हो, चाहे वो जितना लंबा चौड़ा नंबर हो, इस तरह से अगर लिखे 2 9 6 5 4 6 7 2 9 0, अब ये इतना लंबा नंबर है, आपको बताना है कि ये क्या है, इवन है ना ऑड है, तो आपको करना क्या है, आप क्या टू से डिवाइड कीजिएगा ना इसका फैक्टर निकालिएगा, कुछ नहीं करना है। सिर्फ करना क्या है, आपको यूनिट डिजिट को देखना है। अगर यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 इनमें से कुछ भी रहा, अगर यूनिट डिजिट पे 0 2 4 6 8 इनमें से कुछ भी रहा, तो हमको और कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करेंगे, डायरेक्ट बोल देंगे कि ये क्या है, ये इवन नंबर है, ये क्या है, इवन नंबर है। क्लियर हुआ? हम लोगों को सिर्फ करना क्या है, यूनिट प्लेस को देखना है और देखकर बता देना है कि ये इवन है ना ऑड है। अगर इवन प्लेस पे 0 2 4 6 8 कुछ भी रहा इसमें से, तो हम लोग डायरेक्ट बोल देंगे कि ये क्या है, इवन नंबर है। इसी तरह से अगर हम लोग ऑड नंबर की बात करें, तो ऑड नंबर में हम लोग ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वो नंबर जो क्या हो, टू से डिविजिबल नहीं हो, उसको हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर। इसी तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हम उसका फैक्टर फाइंड आउट करें और फैक्टर में भी अगर टू नहीं आता है, टू को छोड़कर चाहे जो भी नंबर्स हो, कौन सा फैक्टर की बात कर रहे हैं, प्राइम फैक्टर की, अगर प्राइम फैक्टर हम फाइंड आउट कर रहे हैं और उसमें टू को छोड़कर चाहे जो भी नंबर हो, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो क्या है, ऑड नंबर है। लेकिन जैसे ही टू आ जाएगा वो इवन नंबर हो जाएगा। अब हम लोग ऑड नंबर में दो तरीके जाने, एक है कि डिवाइड कर लेंगे, लाइक 91 है, अब इसको टू से डिवाइड करेंगे, अगर टू से डिविजिबल तो बोलेंगे कि ये ऑड नंबर है। अदरवाइज जो नंबर है उसका फैक्टर निकालेंगे, प्राइम फैक्टर, और अगर प्राइम फैक्टर में टू नहीं आता है, टू को छोड़कर चाहे जो भी नंबर आ जाए, हम लोग क्या बोलेंगे, वो एक ऑड नंबर है। लेकिन हम लोग सिर्फ देख कर कैसे बताएंगे, हमको ये भी नहीं करना है, ये भी नहीं करना है, सिर्फ देख कर बताना है कि वो इवन है ना ऑड है। तो माई फ्रेंड्स, अगर इन नंबर्स को छोड़कर कुछ भी आ जाए, लाइक 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो या 9 हो, 1 3 5 7 9, इसमें से कोई भी नंबर आ जाए, कहाँ पे, यूनिट डिजिट पे, लाइक अगर कोई मैं नंबर लिख लूँ 6 2 5 9 4 3 2 1 9, तो
लास्ट में हम लोगों को इतने नंबर्स को डिवाइड नहीं देना है, सिर्फ क्या करना है, लास्ट जो डिजिट है यानी यूनिट डिजिट को देखना है। अगर ये यूनिट डिजिट इसमें से कुछ भी रहा, 1, 3, 5, 7, 9 इसमें से कुछ भी रहा तो हम लोग डायरेक्ट बोल देंगे कि ये क्या है, ऑड नंबर है। यहाँ पे 9 क्या है, ऑड नंबर है। इस नंबर में से हमको मिल रहा है तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये ऑड नंबर है। अदरवाइज इसको आप एक और तरीके से बोल सकते हैं, चाहे जितना भी लंबा नंबर हो हमको सिर्फ क्या करना है, उसके यूनिट डिजिट को देखना है। अगर यूनिट डिजिट इवन रहा तो उसको बोलेंगे इवन नंबर, और ऑड रहा तो बोलेंगे ऑड नंबर। अब इवन नंबर में अगर लास्ट में यानी यूनिट डिजिट पे जीरो भी रहता है तो उसको हम लोग इवन नंबर ही बोलते हैं। होपफुली आपको इवन और ऑड नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें इस वीडियो के साथ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।